हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 16.3 सर्किल। इससे पहले हम लोगों ने 16.1 और 16.2 कर लिया है, आज हम लोग 16.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है, आइए डायरेक्ट क्वेश्चन से ही करते हैं, कुछ भी बताने के लिए नहीं, ये काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल ऑफ रेडियस। कभी भी सर्किल का सर्कमफ्रेंस निकालना होता है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग, टू पाई आर। तो ये जो गिवन है, ये क्या गिवन है, रेडियस गिवन है। तो ये रेडियस है, ये कितना है 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है आपको, सरकमफ्रेंस, सी मतलब सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है वो है 2πr। अब ये 2πr क्या है, देखिए ये 2π का वैल्यू होता है 22/7। r मतलब रेडियस जो ये गिवन है, तो ये 7 रिड्यूस हो गया, तो यहाँ पे क्या मिला आपको 44। ये 44 यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। बस ये फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह देखिए ये सेकेंड पार्ट, रेडियस कितना है, रेडियस आपका 21 सेंटीमीटर है। क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस क्या है, 2πr, 2 और पाई का वैल्यू कितना है 22/7, आर कितना 21, 7 से रिड्यूस कर दीजिए, 7 कितने टाइम, 3 टाइम। तो क्या है ये 2, 3 जै 6, मतलब 22 × 6, ये सरकमफ्रेंस हो गया। 6, 2 जै 12 और ये 13, 132 सेंटीमीटर, इसका सेकेंड पार्ट का आंसर निकल गया। इसी तरह देखिए थर्ड पार्ट, यहाँ भी ये क्या है, रेडियस है, रेडियस कितना है 28 मिलीमीटर। निकालना क्या है आपको, सरकमफ्रेंस, फार्मूला 2πr, पाई मतलब 22/7, आर कितना है 28, 7 कितने टाइम में, 4 टाइम में। तो सरकमफ्रेंस कितना आया, 2, 4 जै कितना 8, तो 22 × 8, 8, 2 जै 16, कैरी 1, 16, 1, 17, 176 सेंटीमीटर। इस तरह से इसका सरकमफ्रेंस निकल गया। सिमिलरली नंबर 4 का भी वही करना है, रेडियस दिया हुआ है कितना 3.5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, सरकमफ्रेंस, तो 2 × π × r, r कितना 3.5, मतलब 35/10, एकदम सिंपल है। 7 कितने टाइम में, 5 टाइम में, 5 टू टाइम में, ये 2, 2 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया 22 यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। देखिए कितने आसानी से ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस। इस क्वेश्चन में क्या है कि रेडियस आपको गिवन है, एरिया फाइंड करना है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला बैठाना है और उसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे देखिए पहला पार्ट क्या है, रेडियस 14 मिलीमीटर है, आपको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, आर स्क्वायर, आर मतलब रेडियस, रेडियस कितना है 14 है, तो बस इस 14 का स्क्वायर करना है। ये देखिए 7, 2 जै 14, तो यहाँ क्या मिला आपको, ये 22 और ये 14, 2 जै कितना 28, बस अब इसका मल्टीप्लाई ही तो करना है। 28, 2 जै कितना 56, 28, 2 जै 56, कैरी कितना है 5 है, 28, 2 जै 56, 56 + 5 = 61, तो 616 mm² यूनिट होता है, एरिया का स्क्वायर में यूनिट लगता है। डायमीटर दिया हुआ है, देखिए रेडियस चाहिए होगा हम लोगों को, डायमीटर दिया हुआ है, इससे रेडियस निकाल लीजिए। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ, डायमीटर का हाफ। अच्छा, अब रेडियस ये है तो एरिया क्या होगा, एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 49/2 × 49/2। अब इसे कैलकुलेट करना है, 7, 7 जै कितना 49, ठीक है, 2, 11 जै 22, ये तो कट गया, 11 × 7 कितना रह गया 77 × 49/2, बस अब इसको कैलकुलेट करके लिखना है, तो 77 × 49 कितना होगा, 77 × 49, 7, 9 जै 63, 6 कैरी 63 और 6 69, ठीक है, 7, 4 जै 28, कैरी 2, 28 और 2 30, मतलब 3 और 8 = 16, 17, 7, 3, मतलब इससे मिला आपको 3773
बाय टू, इसको जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए टू वन ज़ा टू हो गया 17, टू एट ज़ा 16, वन टू एट ज़ा 16, वन टू सिक्स ज़ा 12.5, यूनिट क्या है मीटर, तो ये मीटर स्क्वायर। ये सेकेंड पार्ट हो गया, आइए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो रेडियस लगेगा, तो रेडियस क्या हो गया 9.8 बाई 2, ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे एक 10 आएगा तो ये 20 हो जाएगा, तो रेडियस मिल गया। फिर क्या करना है, एरिया निकालना है, एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। चलिए अब इसे कैलकुलेट करना है, 7 है, 7 1 7, 2 28, 7 4 28, ठीक है, 2 10, ठीक है, 2 11, 2 10, 2 7, और रिड्यूस नहीं करते हैं। चलिए तो ये 11 × 7 क्या रह गया, 77 × कितना 98 बाई 100 मीटर स्क्वायर। बस अब इसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेना है, तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लिकेशन चाहिए आपको, 98 × 77, बस इसका मल्टीप्लाई तो करना है, 7 8 जा कितना 56, कैरी कितना 5, 7 9 जा 63 और 5 68, ठीक है, 7 8 जा 56, कैरी कितना 5 5 5 कैरी है, 7 9 जा 63 और 5 68, ठीक है, ये 6 हो गया, 8 + 6 कितना हो 14 14, कैरी 1 है, कैरी 1, 9 10 15, कैरी 1, 6 1 7, 7 5 4 6, क्या मिला 7 5 4 6 बाई 100, मतलब 75.46 मीटर स्क्वायर। ये आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया, आइए फोर्थ पार्ट पे देखिए। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, तो पाई क्या 22/7, आर स्क्वायर मतलब 5 × 5, मतलब 22 × 25/7, अच्छा 25 × 22 कितना, 25 × 10 = 250, तो 25 × 20 = 500, 500 × 25 = 250, तो 550, तो 550/7 यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि पाई के जगह पे आपको 3.14 सेंटीमीटर का वैल्यू यूज करना है, 3.14 सेंटीमीटर का वैल्यू यूज करना है, बाकी और कुछ डिफरेंट नहीं है। रेडियस पता है, सर्कमफ्रेंस निकालना है, रेडियस पता है, रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या निकालना है सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस क्या है 2πr, तो ये 2π के लिए क्या बोला है 3.14 यूज करने के लिए, 3.14 × r कितना है 20, ये डेसिमल यदि आपने रिमूव कर दिया तो नीचे 100 आ जाएगा, दो प्लेस का डेसिमल था, यही था ना, बस हो गया। देखिए ये 20 है, 20 कितने टाइम में 5 टाइम में, 25 = 100, और क्या कटेगा, नहीं कटेगा, अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 314 × 2 मतलब 628/5 यूनिट क्या है सेंटीमीटर। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 12 = 60, 5 5 = 25, डेसिमल दीजिएगा 30 5 6 = 30, तो 125.6 सेंटीमीटर, ये क्या निकला आपका सर्कमफ्रेंस निकल गया। साथ में और क्या चाहिए था आपको, एरिया फाइंड करना था, एरिया फाइंड करना था, तो एरिया इज इक्वल्स टू क्या पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह पे क्या यूज़ करना है आपको 3.14 × r का स्क्वायर, r कितना है 20 है, तो 20 × 20, ये डेसिमल को जैसे ही आपने रिमूव किया, डेसिमल को जैसे रिमूव किया नीचे क्या आ गया 100 आ गया, तो ये 100 से ये ज़ीरो चला गया, तो क्या रह गया 314 × 2 2 = 4, बस मल्टीप्लाई तो करना है, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। 4 से मल्टीप्लाई करने पे 4 4 = 16, कैरी 1, 4 1 = 4 1, 5,
फोर थ्री जार 12, 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कितने इजीली ये दोनों पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए कॉपी कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर फोर, ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। ए मिनट हैंड ऑफ अ टावर क्लॉक इज 1.4 मीटर लॉन्ग। एक घड़ी में जो मिनट का कांटा होता है वो एक्चुअली में ध्यान से देखिएगा तो वो क्या होता है, वो तो रेडियस ही होता है, वो रेडियस ही होता है। तो रेडियस आपको गिवन है, यहाँ पे रेडियस गिवन है, तो रेडियस कितना है 1.4 मीटर। आपसे पूछा क्या है, हाउ फार डज द टिप ऑफ द हैंड मूव्स इन वन आवर। वन आवर में पूरा मिनट का जो कांटा होता है वो पूरा सर्कल घूमता है, पूरा सर्कल घूमता है। एक घंटे में पूरा सर्कल घूमता है, मतलब आपको पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है। तो यहाँ पे जो आपको फाइंड करना है वो है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मतलब 2πr, ये फाइंड करना है। तो ये 2 है, पाई क्या 22/7, आर मतलब रेडियस, रेडियस कितना है 1.4, मतलब 14/10। बस अब इसको सॉल्व करना है, 7 2 14, और क्या है 2 2 4, मतलब 22 × 4/10। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 22 × 4 कितना 88/10, मतलब 8.8 यूनिट क्या है मीटर, मतलब कितना डिस्टेंस वो जा सकता है 8.8 मीटर। बस खत्म हो गया, चलिए कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, काफी आसान क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, ए गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन। ये हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था, कभी भी ऐसा फेंसिंग वाला वर्ड आता है मतलब हम लोगों को सर्कमफ्रेंस निकालना होता है या पेरीमीटर निकालना होता है। तो यहाँ पे हम लोग सर्कमफ्रेंस बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। तो क्या बोला है, ए गार्डनर वांट्स टू फेंस ए सर्कुलर गार्डन, एक सर्कुलर गार्डन का वो फेंस करना चाहता है, मतलब सर्कमफ्रेंस निकालना है, जिसका डायामीटर 21 मीटर है, जिसका डायामीटर 21 मीटर है। इफ फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप, कितना लंबा रस्सी रोप उसको चाहिए होगा टू मेक टू राउंड, मतलब सर्कमफ्रेंस जो भी निकलेगा वो तो एक राउंड हुआ ना, तो इंटू टू कर देना है, बस सिंपल। फिर उसके बाद रेट दिया हुआ है, कॉस निकालना है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहला चीज़ क्या गिवेन है, डायमीटर गिवेन है, यहाँ पे क्या गिवेन है, डायमीटर गिवेन है। तो डायमीटर जो गिवेन है वो कितना है, देखिए डायमीटर आपका गिवेन है 21 मीटर। इससे आपने रेडियस निकाल लिया, रेडियस ये हो गया 21/2 मीटर। फिर क्या चाहिए था आपको, लेंथ ऑफ द रोप, लेंथ ऑफ द रोप मतलब वही सर्कमफ्रेंस ही निकालना है, लेंथ ऑफ द रोप मतलब सर्कमफ्रेंस। तो 2πr, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर, आर कितना है 21/2। तो ये जो सर्कमफ्रेंस निकला, तो ये तो एक राउंड के लिए निकला ना, एक राउंड के लिए, उसने कितना राउंड लगाया, दो राउंड लगाया, तो बस इंटू टू एक मार दीजिए। इससे जो मिलेगा मेजरमेंट वो आपका लेंथ ऑफ द रोप हो जाएगा। यूनिट इसमें क्या है, मीटर का यूनिट है। ये 2, ये 2 चला गया, 7 3 21, 2 3 6 हो गया, तो 22 × 6 मतलब 6 2 12 कैरी 1, तो 132 मीटर ये लेंथ ऑफ द रोप हो गया, ये लेंथ ऑफ द रोप हो गया। ये आपका पहला पार्ट हो गया। अब इस रोप का खरीदना है उनको, इसको खरीदना है, इसका रेट क्या है, ₹4 per meter। रेट क्या है, ₹4 per meter। तो कॉस्ट क्या पड़ेगा, कॉस्ट क्या पड़ेगा, कितना लेंथ है 132, तो 132 × 4 मतलब 4 2 8, 4 3 12, 1 carry 4 1 5, 528 rupees। बस खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एक्सीड्स इट्स डायामीटर बाय 30 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। काफी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बात बताइए, ये सर्कल है, ये आपका डायमीटर है, ये रेडियस है, ये रेडियस है ना। अच्छा, मतलब एक डायमीटर जो होता है दो रेडियस से बना होता है, जिस दो रेडियस को प्लस करने पे एक डायमीटर मिलता है। ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे,
इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल मतलब 2πr ऑफ ए सर्कल एक्सीड्स मतलब माइनस इट्स डायमीटर, तो डायमीटर को मैं लिखने जा रहा हूँ 2r मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस क्या होता है डायमीटर होता है, बाय 30 मतलब इक्वल्स टू 30। बस अब इसमें से हम लोगों को रेडियस मतलब r को सॉल्व करके निकालना है। अब आप ध्यान से देखिए 2πr और 2r में ये 2r जो है ये कॉमन है, यदि आपने 2r कॉमन ले लिया, यहाँ भी देखिए 2r है इसमें भी 2r है कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे पाई बचा और यहाँ तो पूरा कॉमन चला गया तो ये 1 हो गया, इक्वल्स टू कितना हुआ 30 हो गया, ठीक है। फिर देखिए ये 2r है, पाई का मतलब कितना 22/7 माइनस 1/1 इक्वल्स टू कितना 30। फिर देखिए ये 2r एलसीएम यदि ले लिया मैंने तो ये 7 है, 22 माइनस 7 1 कितना 7 इक्वल्स टू 30। और इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये 2r, तो ये 2r 22 माइनस 7 कितना 15, 15/7 15/7 इक्वल्स टू कितना हुआ 30। ये पूरा चीज़ उधर जाएगा या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 15 कितना हो गया 30 हो गया, 30r/7 इक्वल्स टू कितना 30। हमें सिर्फ r निकालना है, r तो ये 30 है, ये वाला जो पार्ट इधर से उधर गया उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए तो 7/30 तो ये 30 रिड्यूस हो गया तो r क्या मिला 7 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना था आपको, रेडियस, देखिए इजीली आ गया। बस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है आपको डायमीटर निकालना, तो डायरेक्टली तो आप डायमीटर निकाल नहीं सकते, सर्कमफ्रेंस के हेल्प से आप रेडियस निकाल सकते हैं, फिर रेडियस को डबल कर दीजिएगा तो वो डायमीटर हो जाएगा। आइए कैसे करेंगे देखते हैं, यहां पे देखिए सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है 44। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, 2πr तो ये 44 है, 2 × π, पाई मतलब 22/7 इंटू आर, तो और सिंप्लीफाई करिए 44, 2 × 22 कितना 44/7 इंटू आर। आपको क्या चाहिए रेडियस चाहिए तो इसको इधर लेके आना है रेसिप्रोकल, 44 × 7/44 इक्वल्स टू कितना आर, तो ये 44 रिड्यूस हो गया तो आर कितना मिला आपको 7, क्या यूनिट क्या है सेंटीमीटर, लेकिन आपको निकालना क्या था डायमीटर, डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस मतलब 2 × 7 जो होगा 14 सेंटीमीटर। बस खत्म हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 7 का, एकदम 7 के जैसे ही है। इसमें भी देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल गिवन है 31.4 सेंटीमीटर, आपको रेडियस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल निकालना है, लेकिन यहाँ पे पाई को आपको सब्सिट्यूट करना है 3.14 से, बस और कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या गिवन है, सर्कमफ्रेंस गिवन है, तो यहाँ सर्कमफ्रेंस गिवन है, सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है 31.4, सर्कमफ्रेंस मतलब 2πr, तो पाई का वैल्यू यहाँ पे कितना लेना है हम लोग को 3.14 × r, रेडियस तो हम लोग को फाइंड करना है 2πr इक्वल्स टू कितना 31.4, यही है। अच्छा अब यहाँ देखिए हम लोग को क्या निकालना है, r फाइंड करना है, तो r इक्वल्स टू 31.4, ये दोनों ही चीज़ देखिए क्या है मल्टीप्लाई है 2 × 3.14, इधर से जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 2 × 3.14। अब ध्यान से देखिएगा इस डेसिमल को यदि आपने रिमूव किया तो एक प्लेस के इधर डेसिमल था यहाँ एक 10 आया, इस डेसिमल को जब आपने रिमूव किया ये दो प्लेस के इधर डेसिमल था तो ऊपर 100 आ गया, डेसिमल रिमूव हो गया। अब आप ध्यान से देखिए ये भी 314 है, ये भी 314 है, रिड्यूस हो गया, 10 × 10 = 100 हो गया, 2 × 5 = 10 मतलब रेडियस देखिए कितना इजीली निकल गया, रेडियस क्या है 5 सेंटीमीटर, तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट में क्या निकालना था, एरिया निकालना था, एरिया का फार्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर,
मतलब पाई मतलब 3.14, 3.14 इंटू आर का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। इस डेसिमल को यदि रिमूव कर देते हैं तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। 25 कितने बार में, 4 बार में, 4 से। अब इसको देखिए 2 से रिड्यूस करते हैं, 2 टू ज़ा 4, 2 15 ज़ा 30, 2 7 ज़ा 14, तो 157 बाई 2, 157 बाई 2 मतलब 2 7 ज़ा कितना 14, 117, 2 8 ज़ा 16, 1 तो 75, 8.5 यूनिट क्या है सेंटीमीटर का, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द रेडियस एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एरिया जो है पाई के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है, तो हम लोगों को सर्कमफ्रेंस जो होगा वो भी पाई के टर्म्स में ही एक्सप्रेस करना होगा। तो एरिया दे दिया है, तो एरिया ऑफ अ क्या सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला क्या है हम लोग के पास, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एरिया का वैल्यू कितना है, 144 पाई इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई पाई कैंसिल हो गया। 144 इक्वल्स टू क्या, आर स्क्वायर, रूट लगा दीजिए तो 144 का रूट इक्वल्स टू क्या हो गया, आर हो गया। इससे क्या मिलेगा, 12 सेंटीमीटर इक्वल्स टू रेडियस, ये पहला पार्ट निकल गया। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना था आपको, सरकमफ्रेंस फाइंड करना था, सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर, तो ये 2 पाई को रखना है, पाई को रखना है, पाई इंटू आर, आर कितना मिला 12, मतलब 12 टू ज 24 पाई सेंटीमीटर, बस यही करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं और इसको करने का भी एक पर्टिकुलर ट्रिक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है, हाउ मेनी टाइम्स विल द व्हील ऑफ ए कार रोटेट, एक कार का जो व्हील है वो कितनी बार रोटेट करेगा ताकि वो 88 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सके, जबकि एक व्हील जो है, वो जो व्हील है उसका डायमीटर दिया हुआ है, तो जो व्हील का डायमीटर दिया हुआ है उसका हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस से सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं। सर्कमफ्रेंस निकालने का मतलब क्या हुआ कि वो व्हील एक बार जब रोटेट होगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो मिल गया। टोटल डिस्टेंस हम लोगों के पास पहले दे दिया है, उस टोटल डिस्टेंस को एक बार घूमने में जितना डिस्टेंस लगा दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ टाइम्स उस व्हील को कितना बार घूमना होगा वो निकल जाएगा। लेकिन एक बात का हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे यूनिट किलोमीटर का है, यहाँ पे यूनिट सेंटीमीटर का है, हम लोग करते समय इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी आसान। आइए पहले व्हील को पकड़ते हैं, व्हील है, अच्छा व्हील का क्या दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना है 56 सेंटीमीटर, ठीक है। इससे इसका रेडियस इसका हाफ हो जाएगा, हाफ तो 56 बाई 2 कितना, 2 टू ज 4, 28 सेंटीमीटर। इससे सर्कमफ्रेंस क्या होगा, 2 पाई आर, 2 पाई, पाई मतलब 22 बाई 7, आर कितना 28, इसको रिड्यूस कर देते हैं, 7 फोर ज़ा तो क्या रह गया 22 इंटू 8, मतलब अच्छा इसको ऐसे ही रहने देते, 22 इंटू 8, क्या है ये यूनिट सेंटीमीटर का है, सेंटीमीटर। ये सर्कमफ्रेंस निकल गया व्हील का, अच्छा टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल डिस्टेंस जो कवर करना है वो कितना है 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या फिर नंबर ऑफ टाइम्स व्हील रोटेट, ऐसे भी लिख सकते थे। तो टोटल डिस्टेंस ऊपर जो कितना है 88 किलोमीटर है, 88 किलोमीटर, नीचे सर्कमफ्रेंस ऑफ ए व्हील, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए व्हील कितना है 22 इंटू 8, ये लिखा ना हमने। अब देखिए इसका यूनिट क्या था, सेंटीमीटर, इसका यूनिट क्या है किलोमीटर, तो इस किलोमीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो किलोमीटर किस में चेंज हो गया, मीटर में चेंज हो गया, एक और 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया,
दोनों का यूनिट सेम हो गया, अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ कैंसिलिंग करना है। 8 है 11 टाइम, 11 2 टाइम, 2 50 टाइम, तो ये क्या हुआ 50 है और ये 1000, मतलब 50,000 टाइम्स उस व्हील को रोटेट करना होगा। बस आंसर आ गया, चलिए कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम अ स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर। अच्छा ये जो डायग्राम है ये आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, इस क्वेश्चन से रिलेट करके मैंने एक डायग्राम बना दिया जिससे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। क्या बोल रहा है, एक कार्डबोर्ड है जो स्क्वायर शेप का कार्डबोर्ड है 21 सेंटीमीटर। देखिए ये 21 21, मतलब ये जो है बाहर वाला जो आपको स्क्वायर बोर्ड दिख रहा है ये क्या है, स्क्वायर बोर्ड है। इसके भीतर से बोला एक मैक्सिमम सर्किल निकालना है, काट के निकालना है। तो एक मैक्सिमम सर्किल जो इसके भीतर आप बना सकते हो वो कैसा हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है। अच्छा फिर क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड लेफ्ट, मतलब इस सर्किल को इस कार्डबोर्ड से जब आप निकाल दोगे उसके बाद कितना एरिया बच गया, मतलब ये वाला जो पार्ट जो बच गया इसको हम लोगों को बताना है कि इसका एरिया कितना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सिंपल सा बात है, सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, इस कार्डबोर्ड का एरिया पहले निकाल लेंगे, कार्डबोर्ड का एरिया, फिर इस सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। तो कार्डबोर्ड का एरिया और सर्कल के एरिया को डिफरेंस करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, तो जो बच जाएगा वो एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड लेफ्ट वही तो है। अच्छा सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा, जब ये यहाँ से यहाँ तक 21 है तो डायमीटर भी तो 21 ही हुआ, अब डायमीटर 21 है तो इससे रेडियस मिल जाएगा, बाकी आराम से हो जाएगा। आइए चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ द स्क्वायर कार्डबोर्ड निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ अ स्क्वायर कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ ए स्क्वायर कार्डबोर्ड क्या होगा, साइड इंटू साइड, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है एरिया का, साइड इंटू साइड, साइड क्या है 21, तो 21 इंटू 21, मतलब 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ ए स्क्वायर कार्डबोर्ड निकल गया। सर्कल का देखिए डायमीटर ऑफ ए सर्कल दिया हुआ है, तो डायमीटर ऑफ अ सर्किल क्या दिख रहा है आपको, 21 सेंटीमीटर। अच्छा इससे देखिए रेडियस क्या हो गया, 21 बाई 2, तो एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का स्क्वायर मतलब 21 बाई 2 इंटू 21 बाई 2, ठीक है। अच्छा 7 3 21, 2 11 22, और कटेगा नहीं कटेगा, तो फिर क्या बचा देखिए, 11 इंटू 3 33 इंटू 21 बाई 2। चलिए अब इसको करने पे क्या आएगा देखिए, 21 इंटू 3 कितना, 63 63 का 3 लिखा, 6 कैरी है, 21 इंटू 3 कितना 63 और 6 कैरी था 69, तो 693 बाई 2। अच्छा इसको डेसिमल में एक्सप्रेस करने पे क्या आएगा, 2 3 6, 2 4 8, 2 6 12.5, यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या निकला, ये एरिया ऑफ द सर्कल निकल गया। ये क्या था, एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड, आपको निकालना क्या है, एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड लेफ्ट, एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड लेफ्ट, तो एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड, एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड लेफ्ट, उसके लिए क्या करना है, 441.0 से माइनस करना है 346.5, रिड्यूस कर दीजिए, 10 से 5 गया 5 रह गया, ये 0 हो गया, तो 10 से 6 गया 4 हो गया, 3 रह गया 13, 13 से 4 गया, 13 से 4 गया 13 से 4 गया, तो 9 9, तो ये रह गया आपका 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस ये आंसर आपका आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड 4.4 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसका मतलब को पहले समझ जाइए। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक जस्ट रफ स्केच है, एक रफ स्केच है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, जिसकी तीनों साइड सेम हो, जिसकी तीनों साइड सेम हो, ठीक है। तो बोला एक पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल,
तो एक वायर से एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का शेप बनाया गया, तो लेंथ ऑफ ए वायर पहले निकाल लेते हैं कि वो वायर कितना लंबा था, कितना लंबा था, तो लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर मतलब इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर, मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस, मतलब 4.4 इंटू 3, 4 3 इज 12 और ये 13.2 यूनिट क्या है, यूनिट देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, सेंटीमीटर, तो 13.2 सेंटीमीटर ये क्या निकल गया, लेंथ ऑफ द वायर निकल गया। इसी वायर को फिर क्या किया, रीबेंट किया टू फॉर्म अ सर्किल, इसी वायर से फिर सर्किल बनाया, मतलब सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल कितना होना चाहिए, 13.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिर फाइंड क्या करना है, रेडियस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल फाइंड करना है। सर्कमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर इक्वल्स टू 13.2, तो फिर ये 2 पाई मतलब 22 बाई 7 इंटू आर इक्वल्स टू 132 बाई 10, ठीक है। आर फाइंड करना है, तो आर इक्वल्स टू कितना, 132 बाई 10 इंटू, यहाँ पे देखिए क्या है, 2 इंटू 22 क्या था, 44 बाई 7, तो 7 ऊपर 44 नीचे, 44 है 11 से जा रहा है, 11 4 जा 11 1 जा 11 2 जा, ये 4 है 4 3 जा, तो 7 3 जा कितना हुआ, 21 बाई 10 मतलब 2.1 सेंटीमीटर, एक पार्ट तो निकल गया, रेडियस आपको मिल गया। फिर क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया के लिए क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई मतलब 22 बाई 7, आर मतलब 2.1 मतलब 21 बाई 10 इंटू 21 बाई 10, बस अब इसको सिंप्लीफाई तो करना है, हो गया ख़त्म है। 7 कितने टाइम में, 3 टाइम में, तो क्या रह गया, 22 इंटू 21 इंटू 3 कितना, 63 बाई 100। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करने पे कितना आएगा, करके देखते हैं, 63 इंटू 2 126, 63 इंटू 2 126, 126 का 6 12 कैरी है, 12 कैरी है, 63 2 जा 126, 126 और 12 कैरी था, 8 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, तो 1386 बाई 100, बाई 100 मतलब इससे क्या मिला, 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस हो गया खत्म। चलिए कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अ वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 27.5 सेंटीमीटर। एक वायर है किस फॉर्म में, एक स्क्वायर के शेप में, जिसका साइड है 27.5, मतलब 27.5 इंटू 4, मतलब पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर आप निकाल लेंगे तो उससे क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ द स्क्वायर मिल जाएगा, कि उस वायर का लेंथ कितना है। इट इज स्ट्रेटेन, मैंने वही उसको फिर सीधा किया, मतलब लेंथ ऑफ द वायर तो आपने निकाल लिया, फिर उस शेप के क्या बनाया, फिर उसी वायर से सर्कल बनाया, मतलब लेंथ ऑफ द वायर जो था वो सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हो गया। फिर जब सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल आपको पता है तो वहां से आपको रेडियस मिल जाएगा, फिर रेडियस से आप एरिया निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, एकदम सिंपल, देखिए सबसे पहला काम आपको लेंथ ऑफ ए वायर निकालना है, सबसे पहला चीज लेंथ ऑफ अ वायर, लेंथ ऑफ अ वायर एक स्क्वायर शेप, इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, क्या बोला, ए वायर इज इन अ फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, ये देखिए एक स्क्वायर शेप में ये वायर है और ये जो स्क्वायर शेप है इसका हर एक साइड जो है वो 27.5 है। अब आप इस वायर को जब आप सीधा करोगे तो ये चारों लेंथ को ऐड करने से ही तो लेंथ ऑफ द वायर मिलेगा, मतलब 27.5 इंटू 4 क्या मिलेगा, 4 5 20, कैरी कितना 2, 28 2 30 कैरी कितना 3 8 3 11, 110 मतलब कितना मिला आपको, 110 सेंटीमीटर ये मिल गया लेंथ ऑफ द वायर। फिर इसी वायर से क्या बनाया, सर्कल बनाया, इसी वायर को रीबेंट करके सर्कल बनाया, मतलब सर्कमफ्रेंस, तो 2 पाई आर जो है वो 110 हो गया।
फिर ये देखिए 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर इक्वल्स टू 110, आर फाइंड करना है 110 इंटू इसका रेसिप्रोकल 7 ऊपर और ये 44 नीचे, 11 से 11 4 टाइम, 11 10 टाइम, 2 2 ज़ 4, 2 5 ज़ 10, यहाँ से क्या मिला 35 बाई 2 सेंटीमीटर, ये क्या मिला रेडियस मिल गया। आपको फाइंड क्या करना था, एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर तो पाई मतलब 22 बाई 7, आर स्क्वायर, आर यहाँ पे क्या है आपके लिए 35 बाई 2, तो ये 35 बाई 2 इंटू 35 बाई 2, 7 है, 7 5 ज़ 35, 2 कितने बार में 11 बार में, और क्या कटेगा नहीं कटेगा, तो यहाँ से देखिए क्या है ये 35, 11 इंटू 5 55 बाई 2। चलिए अब इसका मल्टीप्लिकेशन चेक कर लेते हैं, 35 इंटू 55 का मल्टीप्लिकेशन चलिए यहीं पर कर लेते हैं, 55 इंटू 35 ठीक है, 5 5 ज़ 25, कैरी कितना 2, 25 और 2 27 ठीक है, 3 5 ज़ 15, कैरी कितना 1, 15 1 16, ये 5 है, 12 है, 8 9 1, तो यहाँ मिला आपको कितना 1 9 2 5 बाई 2। अब 2 से डिवाइड करने पे 2 9 ज़ कितना 18, 1 12 2 6 ज़ 12, 2 2 ज़ 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या देख रहे हैं आप आंसर आ गया। चलिए कॉपी कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अ वायर इज इन अ फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, ये जो वायर है किस फॉर्म में है, रेक्टेंगल के शेप में है, एक रेक्टेंगल के शेप में है, जिसका लेंथ और ब्रेथ कितना है 18.7 सेंटीमीटर लॉन्ग है और ब्रेथ कितना है 14.3 सेंटीमीटर। एक बात तो आप समझ ही चुके हैं, कभी भी लेंथ ऑफ द वायर जब हम लोग को निकालना होता है तो जिस शेप में वो है उसका पेरीमीटर निकालना पड़ता है, तो यहाँ पे ये क्या है रेक्टेंगल है, तो हम लोग को पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल निकालना होगा जिससे लेंथ ऑफ द वायर निकल जाएगा, सबसे पहला काम तो वही करना है। तो लेंथ ऑफ द वायर, तो लेंथ ऑफ द वायर क्या पेरीमीटर 2L plus B, तो 2L मतलब लेंथ कितना है 18.7 प्लस ब्रेथ कितना है 14.3 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ से देखिए 2 इंटू दोनों को प्लस करिए 7 प्लस 3 कितना 10, कैरी 1 12 13, 1 2 3 33.0 मतलब 33, तो 33 इंटू 2 कितना 66 सेंटीमीटर, ये क्या निकल गया लेंथ ऑफ द वायर निकल गया। इसी वायर को रीशेप किया गया और किस फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में, मतलब ये जो लेंथ है ये सर्कमफ्रेंस हो गया 66 सेंटीमीटर। अब जब सर्कमफ्रेंस पता है आपको क्या निकालना है, रेडियस और एरिया निकालना है, सर्कमफ्रेंस मतलब 2πr इक्वल्स टू 66, फिर यहाँ से देखिए 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू आर इक्वल्स टू कितना 66, आपको r फाइंड करना है, तो ये 66 इंटू 7 ऊपर चला गया और 22 इंटू 2 44 ये नीचे आ गया, 11 4 टाइम, 11 6 टाइम, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 7 3 ज़ा कितना 21 बाई 2 मतलब 10.5 सेंटीमीटर। क्या निकला रेडियस निकला, पहला पार्ट निकल गया। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है, तो एरिया इक्वल्स टू क्या पाई आर स्क्वायर, तो मतलब 22 बाई 7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्या है 21 बाई 2, 21 बाई 2 इंटू 21 बाई 2 ठीक है, 7 3 टाइम, 2 11 टाइम, यहाँ से देखिए क्या हुआ 21 इंटू 33 बाई 2, ये करना है 33 1 ज़ 33 का 3 लिखा आपने, कैरी कितना है 3 कैरी है, 33 इंटू 2 कितना 66 और कैरी 3 था तो 69 हो गया बाई 2, तो इससे क्या मिलेगा 2 3 ज़ 6, 2 4 ज़ 8 13, 2 6 ज़ 12,
0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया निकल गया और ये आपका रेडियस। बस इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर 15, काफी अच्छा और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर पार्क इज 84 मीटर। अच्छा ये डायग्राम जो है ये मैंने बना दिया, ये बुक में दिया हुआ नहीं है आपको समझने के लिए, आप एग्जाम में भी ऐसे बना के कर सकते हैं। इससे काफ़ी सिंपल हो जाएगा, क्वेश्चन को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा, काफ़ी आसान। एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर 84, सर्कुलर पार्क मतलब ये भीतर वाला, ये सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर आपको पता है। जब डायमीटर पता है तो रेडियस निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। डायमीटर है आपका 84 मीटर, ठीक है, तो उससे जो रेडियस है, रेडियस स्मॉल आर, 84 बाई 2, हाफ करना पड़ता है ना, तो यहाँ से क्या मिला 42 मीटर। तो ये जो 42 मीटर मिला ये है 42 मीटर। ये मैंने स्मॉल आर और बिग आर करके कहा है, जो बिग आर बड़े वाले सर्किल के लिए, आउटर सर्किल के लिए, ये जो है ये इनर सर्किल के लिए था, इनर सर्किल एकदम सिंपल, ठीक है। तो इनर सर्किल का रेडियस आपको मिल गया। आपको चाहिए क्या, आपको पता करना था फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड, मतलब आपको ये वाला जो है एरिया चाहिए। तो ये एरिया कब निकलेगा, जब इसका एरिया पता हो और इसका एरिया पता हो, फिर उन दोनों का एरिया का डिफरेंस। तो ये आर तो मिल गया आपको 42, तो ये बड़ा वाला आर कितना होगा, देखिए यहाँ पे विथ दिया हुआ था, ऑन इट्स आउटसाइड देयर इज अ 3.5 मीटर वाइड रोड, तो ये विथ कितने का है 3.5 का, 42 में 3.5 यदि आप ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आर का वैल्यू जो है ये 45.5 मीटर हो जाएगा, 42 प्लस 3.5, तो ये जो बड़ा वाला आर है ये 45.5 मीटर हो गया। अच्छा तो ये हो गया आपका आउटर सर्किल। तो आउटर सर्किल का जो रेडियस आपको मिला वो मिला 45.5 मीटर। एरिया ऑफ ए रोड कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ द रोड वो निकलेगा एरिया ऑफ आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्किल। एरिया ऑफ आउटर सर्किल मतलब पाई बिग आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। इसमें ध्यान से देखिए पाई कॉमन है, यदि आपने पाई को कॉमन ले लिया तो ये बिग आर स्क्वायर भीतर चला गया, स्मॉल आर स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया। अच्छा पाई का मतलब 22/7, ठीक है, बिग आर स्क्वायर, तो बिग आर कितना है 45.5 का स्क्वायर, स्मॉल आर कितना था 42, तो ये 42 का स्क्वायर। आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उस आइडेंटिटी में यदि हम लोग इसको एक्सपेंड करें तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है, और ये ए माइनस बी, काफ़ी सिंपल हो जाएगा। आगे देखिए 22/7 इंटू 45.5 प्लस 42 कितना 87.5 या माइनस करना है, 45.5 से 42 को माइनस कर दीजिए तो यहाँ कितना आ रहा है 3.5। अब ये यदि डेसिमल्स को मैं थोड़ी देर के लिए हटा दूँ तो यहाँ पे ये 10 दिखेगा, यहाँ से ये हट गया तो ये भी 10 हो गया। अच्छा 7 से यदि रिड्यूस करें तो 7 5 से कितना 35 हो गया, 5 2 से 10 हो गया, 2 11 टाइम ये हो गया। अच्छा और देखिए तो ये रह गया, तो यहाँ पे जो एरिया रह गया, एरिया ऑफ द रोड जो रह गया वो मिला आपको 875 इंटू 11 इंटू 11 बाई 10 बाई 10 मीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ द रोड था। रेट देखिए क्या दिया हुआ था, रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था आपका 240 पर मीटर स्क्वायर, ये रेट है। आपको निकालना क्या है, कॉस्ट निकालना था, आपको कॉस्ट निकालना था,
तो कॉस के लिए क्या करेंगे, जो एरिया था उसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा, उसमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो उसको यहाँ लेके आते हैं 875 × 11 / 10 × 240, मतलब ये ज़ीरो ज़ीरो चला गया। अब ये जो रह गया इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो 875 × 24 × 11 कितना है, देखिए 4 11 4 44 11 4 44 carry 22 और 4 26 264। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा, आइए करके देखते हैं, 875 × 264 थोड़ा बड़ा नंबर है, 875 264, 5 4 20 2 carry 28 2 30 3 carry 32 or 3 35, ठीक है, 5 6 30 carry 3 42 3 45 carry 4 4 6 8 48 52 52, ठीक है, अच्छा, इसके बाद 2 5 10 carry 1 14 1 15 carry 1 16 1 17, ठीक है, ये 0 0 10 हो गया, 10 हो गया, 1 carry है 5 8 10 11 1 carry है 6 13 1 carry 2 2 3 1 triple 0 2 3 1 triple 0। इस तरह से देखिए आपने क्या निकाल लिया, आपने कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड निकाल लिया। चलिए कॉपी कर लीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 16, अ सर्कुलर पॉन्ड इज सराउंडेड बाई 2 meter वाइड सर्कुलर पाथ। ये क्या है, ये सर्कुलर पॉन्ड है और इसके बाहर देखिए ये पाथ है, ये पाथ है जो 2 meter वाइड है। सर्कुलर ये जो है आपका पॉन्ड, इसका रेडियस को मैंने r ले लिया है, और ये जो बाहर वाला सर्किल है इसका रेडियस को मैंने बिग r ले लिया है। आगे देखिए क्या बोला है, इफ द आउटर सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पार्क इज 44, आउटर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, आउटर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, इससे हम लोग ये r निकाल सकते हैं। जब r निकल जाएगा तो जो r का मेजरमेंट वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, इसमें से ये 2 meter को माइनस करने से हम लोग को स्मॉल r मिल जाएगा। जब वो स्मॉल r मिल जाएगा तो इनर सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा, जब इनर सर्कमफ्रेंस निकल जाएगा तो फिर क्या निकालना है, एरिया ऑफ द पाथ। तो एरिया ऑफ द पाथ कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ द आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्किल, बस ये दो काम ही तो करना है हम लोग को। चलिए, आउटर सर्किल का देखिए क्या दिया हुआ है, आपका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ था, सर्कमफ्रेंस कितना है 44 meter, ठीक है, इसका मतलब 44 इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 pi r, क्योंकि आउटर सर्कमफ्रेंस जो है उसका रेडियस हम लोगों ने क्या लिया है, बिग r लिया है। इसको इधर भेज दीजिए तो 44 × 7 / 22 × 2 कितना, 44 = r, तो देखिए यहाँ पे r कितना मिला, 7 मिल गया। तो ये यदि 7 है तो, और यहाँ से यहाँ तक 2 है, मतलब ये भी तो 2 है, तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ, 5 हुआ। देखिए हम लोग को स्मॉल r मिल गया, ये आउटर सर्कल था, यहाँ पे इनर सर्कल, इसका स्मॉल r कितना मिला, 5 meter। हम लोग को निकालना क्या था, इनर सर्कमफ्रेंस, तो इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो 2 pi × r, इससे क्या आया, देखिए 2 5 10 10 × 22 कितना, 220/7, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, 7 3 कितना, 21 10 हो गया, 7 1 7 3 रह गया, 31 3/7 meter, ये सर्कमफ्रेंस निकल गया। सेकेंड पार्ट में क्या निकालना था, एरिया ऑफ द पाथ निकालना है, तो एरिया ऑफ द पाथ मतलब एरिया ऑफ द आउटर सर्किल माइनस एरिया ऑफ द इनर सर्किल, तो पाई बिग आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इसमें जब आपने पाई कॉमन ले लिया तो बिग आर स्क्वायर, तो बिग आर कितना है आपका, 7 है,
सेवन का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर कितना था आपका फाइव, तो ये फाइव का स्क्वायर, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं पाई मतलब 22/7, ये हो गया आपका 49 माइनस 25, सेवन का स्क्वायर 49, फाइव का स्क्वायर 25। अच्छा ये चीज़ और थोड़ा लेके आइए, तो 22/7 इंटू 49 माइनस 25 कितना, 9 माइनस 5 कितना 4, 4 माइनस 2 2, क्या ये रिड्यूस कर सकते हैं आप, नहीं कर सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24 इंटू 22 कितना होगा, 24 इंटू 2 कितना 48, 48 का 8 कैरी कितना है 4, 4 कैरी है, 22 4 इंटू 2 48, 48 और कैरी 4 52, 5 टू 8 बाई कितना 7, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 7 है, 7 7 जा 49, तो क्या रह गया 3, 38, 7 5 जा 35, 3/7 क्या है ये एरिया है मीटर स्क्वायर, बस आंसर आ गया, कहाँ देख रहे हैं आप, चलिए कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर 17, इन द एडजॉइनिंग फिगर द एरिया इनक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रेटिक सर्किल इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द आउटर सर्किल मतलब बिग आर 21 दिया हुआ है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द इनर सर्किल मतलब स्मॉल आर, ये आर निकालना है, ऐसे क्वेश्चन आपने पीछे दो तीन कर लिए, कुछ नहीं है, एकदम आसान, सिंपल बात आप याद रखिए, एरिया ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटिक सर्किल का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटिक सर्किल मतलब पाई बिग आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब डिफरेंस बिटवीन आउटर सर्किल माइनस इनर सर्किल, वो होता है एरिया ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटिक सर्किल का, एरिया कितना दिया हुआ था 770, बस और करना है क्या, इसमें वैल्यू पुट करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या है, पाई कॉमन है, तो क्या मिला बिग आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल्स टू 770, पाई का मतलब 22/7, बिग आर तो दिया हुआ है देखिए 21, तो ये 21 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 770, ये 22/7 है उधर भेज दीजिए, तो यहाँ क्या रह जाएगा 441, 21 का स्क्वायर 441 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 770 इंटू ये उल्टा 7/22 11 टू टाइम 11 सेवन टाइम और ये जीरो 70 हो गया 2 से 35 टाइम 35 टाइम 35 इंटू 7 35 इंटू 7 अच्छा इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं यहाँ से क्या मिला 35 इंटू 7 अब ये क्या था 441 माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 35 इंटू 7 कितना देखिए 75 जा 35 कैरी 3 21 और 3 24 तो 245 हो गया ये माइनस आर स्क्वायर है 441 है 441 ये प्लस था इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू ये माइनस था उसको उधर भेज दीजिए तो क्या हो गया प्लस आर स्क्वायर हो गया सिंपल हो गया अब इन दोनों को माइनस करने पे क्या मिलेगा देखिए वहां से वन बोरो करिए 11 11 से 5 गया 6 हो गया ये 3 हो गया 13 13 माइनस 4 कितना हुआ 9 हो गया अच्छा 3 माइनस 2 1 हो गया 196 आर स्क्वायर है तो रूट 196 क्या होगा आर होगा ये 14 का ही तो स्क्वायर है तो 14 सेंटीमीटर इक्वल्स टू आर देखिए आपका रेडियस जो निकालना था आपको क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना था कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द इनर सर्किल इनर सर्किल क्या था स्मॉल आर कितना मिला 14 सेंटीमीटर आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 18 देखिए फ्रॉम अ सर्कुलर कार्ड ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन एकदम भी डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन को सिर्फ समझना है एक सर्कुलर कार्ड है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है मतलब ये पूरा का रेडियस कितना है 14 है तो इससे इसका एरिया निकल जाएगा ये सर्कुलर कार्ड का एरिया निकल जाएगा इस सर्कुलर कार्ड से दो छोटे छोटे सर्कल जिसके रेडियस 3.5 सेंटीमीटर के है उसको अलग कर दीजिए मतलब उस सर्कल का एरिया निकाल लीजिए फिर एक रेक्टेंगल जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है उसका भी एरिया निकाल लीजिए और फिर इसको माइनस कर दीजिए आपको रिमेनिंग शीट जो है या एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट काफ़ी आसानी से निकल जाएगा कैसे निकलेगा देखिए पहला क्या है सर्कुलर कार्ड
सर्कुलर कार्ड, ठीक है। इसका रेडियस क्या है? सर्कुलर कार्ड का रेडियस देखिए क्या है, 14 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर 14 इंटू 14, 7 कितनी बार में? 2 बार में। तो यहाँ से क्या मिला, 22 इंटू 14, 2 से कितना, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब इसको करने पे देखिए क्या आएगा, 28 2 जा 56, 56 कैरी कितना, 5, 28 2 जा 56 और 5, 56 और 5, 61, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका है? ये पूरा एरिया है, सर्कुलर कार्ड का पूरा एरिया निकल गया। अब आइए सर्कल, सर्कल का रेडियस क्या है? सर्कल का रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। तो इससे एरिया इसका क्या आएगा, पाई 22/7, आर स्क्वायर मतलब 35/10 इंटू 35/10। तो ये जो एरिया आया, ये एक सर्कल का एरिया आया, जबकि यहाँ पे कितने सर्कल है, दो है, तो इंटू टू कर दीजिए, इंटू टू कर दीजिए। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं, ये 7 है, ये 35 है, 7 5 35, 5 2 10, 2 2 कैंसिल हो गया, 5 2 5 7 2 11, यहाँ से क्या मिला, 77। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया हुआ? सर्कल का। एक रेक्टेंगल भी था, रेक्टेंगल जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। आइए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या था 3, ब्रेथ क्या था 1, मतलब 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सम्स लगभग हो गया। ये क्या है? पूरे सर्कुलर कार्ड का एरिया, इसमें से ये एरिया और ये एरिया आपने हटा दिया, मतलब दो सर्कल और रेक्टेंगल को काट के अलग कर दिया आपने, तो इन दोनों को सम करके इससे माइनस करने से ही रिमेनिंग एरिया निकल जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट ना, तो देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इक्वल्स टू क्या, टोटल कितना था 616, माइनस करना है कितना को, 77 प्लस 3, मतलब 616 से माइनस करना है 80 को। माइनस करने पे क्या मिलेगा, 6 माइनस 0 ये 6 आ गया, 11 माइनस 8 9 10 3 और ये 5, तो 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आंसर आ गया, चलिए कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री एंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग डायग्राम्स, ऑल मेजरमेंट्स आर इन सेंटीमीटर, ठीक है। इस डायग्राम के लिए क्या है, ये अनशेडेड पार्ट ऑफ ए सेमी सर्कल, ये जो सेमी सर्कल का ये पार्ट जो दिख रहा है ये अनशेडेड है, आपको ये शेडेड पार्ट निकालना है। सबसे पहले क्या है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री निकालना है। आइए लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री, अच्छा ये कैसे निकालेंगे, यदि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें, ये लेंथ ऑफ द बाउंड्री, ये कितना है 10 है, ठीक है, ये कितना है 7 है, ये कितना है 10 है, प्लस अब यहाँ क्या चाहिए, ये मेजरमेंट चाहिए, ये इसका लेंथ चाहिए, ये सेमी सर्कल का जो ये आर्क है इसका लेंथ चाहिए। इसका लेंथ कैसे मिलेगा, पाई आर से, पाई आर, पाई आर, तो यहाँ पे ये आर क्या है, यहाँ से यहाँ तक 7 है, मतलब ये डायमीटर 7 है, तो यहाँ पे रेडियस क्या हुआ, 7/2, 7/2, तो यहाँ पे देखिए 10, 20 और ये 7 कितना हुआ, 27, पाई मतलब 22/7, आर देखिए कितना है, 7/2, 7/2, ये 7, 7 कैंसिल हो गया, ये 2, 11 टाइम, मतलब 27 + 11 कितना, 38, यूनिट क्या है, सेंटीमीटर।
तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री इस फिगर का तो निकल गया। फिर यहाँ पे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन भी निकालना है, तो सबसे पहले आप इस पूरे का एरिया निकाल लीजिए, एरिया इस पूरे का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये कितना है 10, ये कितना है 7, तो ये 10 इंटू 7 कितना हो गया 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 70 सेंटीमीटर स्क्वायर आया ये इस पूरे फिगर का एरिया आ गया, लेकिन आपको सिर्फ ये एरिया चाहिए, ये एरिया, तो इसमें से ये वाला जो एरिया है इसको माइनस करना है। तो एरिया ऑफ क्या, ये सेमी सर्कल है, ये एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल निकाल लेते, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया का क्या फार्मूला था, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल क्या होगा बाई टू, हाफ ना, हाफ हो गया, तो इसका क्या वैल्यू मिलेगा देखिए 1/2, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर, आर क्या है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2, इसको अब क्या करना है कैलकुलेट करना है, ये 7 से ये 7 चला गया, 2 से 11 हो गया, 11 7 से कितना हुआ 77, नीचे कितना 4, यूनिट क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ ए सेमी सर्किल इतना है, टोटल एरिया इतना है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हो जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना था टोटल 70, उसमें से माइनस कितना करना है 77/4, एलसीएम जब आप लेंगे तो कितना आएगा 4, तो ये हो गया 20/280 माइनस 77, तो 77 मतलब 203/4, तो 203/4 मतलब 4 5 20, 50 बार में 4 7 28 25, तो 50.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया आपका एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इस पार्ट का। इसी तरह से आइए इस पार्ट को करते हैं, तो आइए 19 का सेकेंड पार्ट, ये फिगर है, इसमें देखिए क्या है, ये जो 28 जो मेजरमेंट दिया है, ये मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 28 है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये जो सेमी सर्किल है ये क्या है रेडियस है, ये जो पार्ट है ये भी एक रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये दो रेडियस से मिलकर बना होगा, रेडियस रेडियस दो ही तो इस लेंथ के बराबर है, तो यहाँ भी एक रेडियस यहाँ भी एक रेडियस, मतलब 1 2 3 4, ये पूरा लेंथ जो है ये 4 रेडियस के सम के बराबर है। ये जो 28 आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ये एक रेडियस है, ये एक रेडियस हुआ, ये एक रेडियस है, ये भी तो एक रेडियस हुआ, मतलब आप कह सकते हैं कि 4R इज इक्वल्स टू 28, इससे R कितना मिलेगा 28/4 जो होता है 7 सेंटीमीटर, ये तो मिल गया। आपको निकालना क्या है, इसमें भी वही लेंथ ऑफ द बाउंड्री, सबसे पहला लेंथ ऑफ द बाउंड्री, तो लेंथ ऑफ द बाउंड्री जब आप निकालने जाएंगे तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए लेंथ ऑफ ए बाउंड्री मतलब ये यहाँ से यहाँ, तो ये क्या है सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल है, तो ऐसे ऐसे कितने सेमी सर्किल हुए देखिए 1 2 3 4, चार सेमी सर्किल है, एक सेमी सर्किल का लेंथ, एक सेमी सर्किल का लेंथ कैसे निकलता है पाई आर, पाई आर कितने के निकालने हैं 4 का, तो 4 पाई आर, तो क्या निकला ये निकला ये निकला ये निकला ये निकला, बस अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, बाकी कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, तो 4 पाई मतलब 22/7, आर कितना है 7, ये चला गया, ये आ गया आपका 88 सेंटीमीटर, ये पहला पार्ट तो निकल गया। दूसरे पार्ट में क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक उसी तरह देखिए 4 सेमी सर्किल है, 4 सेमी सर्किल के एरियास निकाल लीजिए पहले, तो एरिया ऑफ 4 सेमी सर्किल, एरिया ऑफ 4 सेमी सर्किल्स क्या होंगे 4 इंटू
एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई टू, मतलब 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये 4 और 2, ये चला गया 2, पाई मतलब 22/7, आर मतलब 7/2 इंटू 7/2। तो यहाँ से देखिए ये एक 7 रिड्यूस हो गया, ये 2 रिड्यूस हो गया, 2 11 टाइम, तो यहाँ से मिला आपको 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला, ये इसका एरिया निकल गया, इसका एरिया आ गया, इसका आ गया, इसका आ गया, लेकिन अभी ये जो है पार्ट जो है बीच का जो स्क्वायर पार्ट है, इसका एरिया तो नहीं निकला। अब एक बात बताइए, ये दो रेडियस के बराबर था, एक रेडियस यदि आपका कितना है 7/2, यहाँ पे देखिए रेडियस क्या है 7 है, 7 है, तो ये 7 और 7 कितना हुआ 14 हो गया, और बोला है ये स्क्वायर है, तो ये भी 14 है, ये भी 14 है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा 14 × 14, जो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब इन दोनों का जो सम होगा ये टोटल शेडेड रीजन हो जाएगा, तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, दोनों को सम कर दीजिए, 196 प्लस 77 जो होता है 7 प्लस 6 कितना 13, कैरी कितना 1, 9, 10, 17, कैरी कितना 1 और ये 1, 2 हो गया, तो 273 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस खत्म हो गया। चलिए कॉपी करिए। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20 में जाने से पहले एक छोटा सा करेक्शन, देखिए इस पार्ट में यहाँ पे हम लोगों ने रेडियस को 7/2 ले लिया है, जबकि रेडियस जो है वो 7 है, रेडियस जो है वो 7 है, तो एक छोटा सा करेक्शन है, इसे प्लीज़ कर लीजिए। ये जो रेडियस है, रेडियस जो है वो सिर्फ 7 है, 7/2 नहीं है, 7/2 नहीं है, तो यहाँ से ये 7 रिड्यूस हो गया, ये रिड्यूस हुआ, बाकी और कुछ रिड्यूस नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो अब यहाँ पे क्या रह गया, देखिए 2 × 22 × 7, मतलब 22 × 2 44, 44 × 7, 7 × 4 = 28, 2 28 × 2 = 30, 308, तो यहाँ पे जो आएगा आपका 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आप ऐड करेंगे, जो आप ऐड करेंगे तो वो होगा 308। अब जब 308 आप इसमें ऐड करिएगा तो एक नया एरिया मिलेगा आपको, इसमें 196 ऐड कर दीजिए, 8, 10, 14, 9, 10 और ये 5, तो आंसर मिलेगा आपको 504 सेंटीमीटर स्क्वायर, बस हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग फिगर, मतलब ये फिगर जो है इसका लेंथ भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। आइए कैसे निकालेंगे, देखिए इस फिगर को जब आप देखिए, इसका लेंथ निकालना हो तो कैसे लेंथ निकलेगा, लेंथ ये जो पार्ट है ये सेमी सर्कल का पार्ट है, ये है ना, ये सेमी सर्कल है, यहाँ से यहाँ तक कितना है 4, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हुआ 4 ही हुआ, 4 ही हुआ। अच्छा लेंथ निकालना है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो क्या है ये 4, ये 4, ये कितना है 10.5, अच्छा ये कितना है 4 है, ये कितना है 3.5, और सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल का लेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग, पाई आर, आर देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक क्या है डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 10.5 है, यहाँ से यहाँ तक 3.5 हुआ, तो इसका मतलब ये कितना हुआ 7 हुआ, ये 7 है, ये यदि पूरा 7 है तो रेडियस क्या होगा 7/2, तो पाई आर, आर कितना होगा 7/2। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, 10.5 3.5 कितना हो गया 14, 4 18, 4 22, अच्छा प्लस पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7/2, तो ये 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से 11 कैंसिल हो गया, 22 प्लस 11 कितना हो गया 33 सेंटीमीटर, ये पहला पार्ट इसका निकल गया, लेंथ ऑफ द बाउंड्री निकल गया। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया
तो यहाँ देखिए एरिया हम लोग इसके दो पार्ट्स में निकालेंगे। ये पार्ट जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर पार्ट है। रेक्टेंगुलर पार्ट का एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ ये निकल गया। प्लस ये देखिए सेमी सर्कुलर पार्ट है, तो सेमी सर्कुलर का एरिया क्या है, हाफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ पाई आर स्क्वायर, आर क्या है 7/2। बस अब इन दोनों को फिर कैलकुलेट करके सम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 10.5 × 4 कितना हुआ 42। में प्लस करना है हाफ इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 7/2 × 7/2। तो यहाँ देखिए ये 2 है, 42 है, 21 टाइम, 7 से 7 चला गया, 2 से 11 चला गया, 21 × 11/2 आ गया, 11 ones 11 हो गया, तो 1 कैरी है, 11 twos 22 और 1 23, 231/2 हो गया। इसको जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 2 11s 22, फिर 2 5s 10.5 मिक्स हो गया, थोड़ा सा मिक्स हो गया। ये पार्ट जो था ये पार्ट कितना आया 42, ये पार्ट 42 आ गया, जो है आपका दिस इंटू दिस। इसमें प्लस क्या करना था, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कुलर, एरिया ऑफ ए सेमी सर्कुलर क्या था 1/2 1/2, पाई क्या था 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर क्या था 7/2, तो 49/4। अच्छा तो इसको फिर से एक बार करते हैं, 2 से कितने टाइम में 11 टाइम में, 7 7 जा, तो ये आया आपका 42 + 77/4 77/4। एलसीएम यदि लेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, 8 और आपका 168 हो गया, प्लस कितना 77, ठीक है। अब इसको ऐड करने पर देखिए क्या है, 7 + 8 कितना 15, कैरी 1, और 7 7 14, कैरी 1 और 2, 245/4/4। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, 4 6 24 4 1 4, तो 4 4 तो 1 आया 10 हो जाएगा, 4 2 8 20, 61.5 cm². चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। 20 का सेकेंड पार्ट पे आइए, ये फिगर है, इसका हम लोग को लेंथ निकालना है। यहाँ पे इस फिगर में देखिए आप, ये 10 है, ये 8 है, और ये क्या है, इस सेमी सर्कल का डायमीटर है, इस सेमी सर्कल का डायमीटर है। यहाँ पे कुछ लेंथ नहीं पता है, तो ये यदि मैंने 90 मान लिया तो क्या यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। ये आर है, ये भी आर है, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने पे परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोथेनस स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या 10 का स्क्वायर, इससे आर स्क्वायर प्लस 64 इक्वल्स टू क्या आएगा 100 आएगा, फिर आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 - 64, मतलब आर स्क्वायर इक्वल्स टू 36, जिससे आर क्या मिलेगा 6 मिलेगा, आर क्या मिला 6 मिला। तो ये यदि 6 है, ये 6 है, तो ये पूरा डायमीटर कितने का हो गया 12 का हो गया। आइए अब हम लोग लेंथ निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं, तो लेंथ कैसे निकालेंगे, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 है, ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का लेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग पाई आर, तो ये पाई इंटू आर, आर कितना है 6 है, ठीक है, फिर प्लस करना है, फिर ये लेंथ, ये लेंथ कितना है देखिए, ये जब 10 है तो ये भी 10 है, ये 10 है तो ये भी 10 है। चलिए अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से ये 10 + 10 कितना हुआ 20 + 2 6 12 1 132/7। अच्छा अब इसका यदि हम लोगों ने एलसीएम लिया तो ये 140 + 132 जो आपका 0 + 2 2 है 4 + 3 7 है, ये 272/7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में यदि चेंज करें 7 3 = 21 62 62 7 8 = 56 56
सिक्स बाई सेवन सेंटीमीटर, ये क्या निकला आपका, लेंथ ऑफ द बाउंड्री निकला। इसके बाद देखिए क्या निकालना था, एरिया निकालना था, एरिया। तो एरिया कैसे निकलेगा, ये सेमी सर्कल का पार्ट का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू पाई, पाई मीन्स 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, आर कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर 36। ये किसका एरिया है, ये सेमी सर्कल का एरिया है, ये ट्राइंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, ये बेस क्या हुआ, ये पूरा डायमीटर बेस हो गया, मतलब 12 इंटू हाइट क्या हुआ 8 हो गया। बस अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 2 6 12, तो यहाँ से क्या मिला 6 8 जो कितना, अच्छा ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, प्लस है, 6 8 जो कितना 48, ये पार्ट हो गया। इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पे 2 कितना 11 टाइम, और कटेगा नहीं कटेगा, तो 36 इंटू 11, 11 6 66, 6 कैरी, 33 और 6 39, 396 बाई 7 प्लस 48 प्लस 48 प्लस 48 प्लस 48, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 7 होगा, तो यहाँ से क्या मिला 396 प्लस 48 इंटू 7, 7 8 जो कितना 56 कैरी 5, 7 4 जो 28 और 5 कितना 33। अब इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 6 प्लस 6 कितना 12, कैरी 1 10 13 कैरी 1 6 और 1 7, तो ये हो गया 732/7, तो ये 732/7 मतलब 7 10 70 32 7 4 28 4, मतलब यहाँ से जो एरिया मिला आपको वो 104/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड पार्ट कर लिया। सो क्वेश्चन नंबर 21 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन भी है। इस क्वेश्चन को पहले समझिए, इफ ए वायर इज बेंड इन ए शेप ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वायर है जिससे आपने एक स्क्वायर शेप्ड का फिगर बनाया और उस स्क्वायर शेप्ड का जो फिगर है उसका एरिया 81 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेंथ ऑफ द वायर निकाल लेंगे कि वो वायर कितना लंबा था। तो लेंथ ऑफ द वायर के लिए क्या चाहिए होगा हमको, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, ये जो स्क्वायर बना है इसका पेरीमीटर, और पेरीमीटर निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, साइड चाहिए होगा, पहले वो कर लेते हैं। तो देखिए क्या शेप का फिगर बना, स्क्वायर का, स्क्वायर का बना, उसका एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि एरिया 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो साइड क्या होगा, साइड क्या होगा 9 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर 4 इंटू साइड होता है, 4 इंटू 9 जो होता है 36 सेंटीमीटर। ये हो गया लेंथ ऑफ द वायर, ये जो पेरीमीटर निकाला आपने ये लेंथ ऑफ द वायर हो गया। अब इसी वायर से उन्होंने क्या किया, एक सेमी सर्कुलर आर्क बनाया, एक सेमी सर्कुलर आर्क बनाया बाउंडेड बाई इट्स डायमीटर, बाउंडेड मतलब ये नीचे से ऐसा है, तो ये दो रेडियस कवर हो गया, तो इसी लेंथ से ये बनाया। तो ये जो लेंथ 36 है ये किसके बराबर है, लेंथ ऑफ ए सेमी सर्कुलर क्या होता है पाई आर, प्लस ये दो आर कवर कर रहा है तो 2r। अब इससे सॉल्व करके हम लोग आर निकाल लेंगे कैसे, देखिए 36 यहाँ देखिए दोनों में आर कॉमन है, तो ये हो गया पाई प्लस 2, ठीक है ये 36, ठीक है आर है पाई मतलब 22/7 प्लस 2/1, ठीक है तो ये 36 है, ये आर है। यहाँ पे यदि आपने एलसीएम 7 ले लिया तो ये 22 और ये 7 2 से क्या 14, ठीक है। फिर देखिए 36 इज इक्वल्स टू आर इंटू 36/7, हमें आर चाहिए तो इसको इधर करना है, तो 36 इंटू रेसिप्रोकल कर देते हैं तो 7/36 इक्वल्स टू आर, ये कट गया तो आर कितना मिला आपको 7 सेंटीमीटर, आर तो मिल गया। चाहिए क्या, एरिया चाहिए, इस शेप का एरिया चाहिए। ये क्या है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू पाई, पाई मतलब 22/7, आर आपने अभी निकाला है कितना है 7 है, 7 का स्क्वायर कितना 49,
सेवन सेवन जा 49, टू इलेवन जा यहाँ से क्या मिला 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तो कर ही दिया होगा, इसके लिए थैंक यू।